दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं वीडियो में सबसे पहले आपको फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो से ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, जनरल मैनेजमेंट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, हम अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, अगर गाइज आपको अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिक करना है, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना। तो आपका जो डेट एंड टाइम है वो ऑटोमेटिक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने हिसाब से करना है, तो आप यहाँ से इसे ऑफ करेंगे। और यहाँ पर आपको डेट सेट डेट पे क्लिक करना, अपनी जितनी डेट है तो आप उस पर चेंज कर देंगे, इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिला था, तो आपको अपना टाइम सेट करना, तो आप यहाँ से टाइम भी सेट करके इसे डन कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिला था, यूज़ 24 और फॉर्मेट। अगर गाइस आप अपने फ़ोन पर 24 घंटे का अलग करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो आपको जो 12 के बाद 1 बजे का आपका 24 घंटे वाला टाइम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 24 घंटे वाला नहीं करना, 12 घंटे वाला करना, तो आप इस ऑप्शन को भी ऑफ कर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।